बड़ौदा गुजरात से अभी राजस्थान पंजाब होके जम्मू कश्मीर तक जाना चाहता हूँ, और मेरा मकसद ये है कि जो अपने हिंदुस्तान में 12 लिंग है, मैंने 10 तो ज्योतिर्लिंग कवर कर दिए, एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ का है वो भी कवर करना है, और हमारा एक वो बड़ा मकसद है कि हमको अमृतसर पंजाब जो अमृतसर में साहिब है वहाँ दर्शन करने के लिए मत्था टेकने के लिए जाना है। आपका क्या मकसद है ये? हमारा मकसद ये है कि पानी बचाओ, वृक्ष बचाओ, और सभी के साथ में भाईचारा रखो। कितने दिन हो गए आपको? हमारे को वैसे 36 दिन हो गए, हम बड़ौदा से घर से निकले 10 फरवरी 2019 को हम निकले हैं। आपके बारे में बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र 75 साल है, मेरी बीवी की उम्र 68 साल है, 68। उनको थोड़ा चलने फिरने में क्या है कि फ्रैक्चर की वजह से वो चलने फिरने में तकलीफ है, इसीलिए मैंने ये शाही गाड़ी मेरे लिए साथ में रखी है। आपकी एज इतनी हो चुकी है, लेकिन आज देखा जाए तो यूथ जो बुलेट चला रहे हैं, अभी हैवी है, इस एज में आप फिर भी चला रहे हैं, क्या कहना है आपके? मेरा ये है कि मैं कोई भी कोई भी चीज का व्यसन ही नहीं हूँ, दारू सिगरेट या कोई भी, और मेरा क्या है कि हर रोज मुझे शाम को यानी एक ग्लास दूध कम से कम चाहिए। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए ये है कि उनको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, और उनको ऐसा है कि हमारा देख के भी मोटिवेट होके उनको आगे और आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग गुजरात से वैष्णो देवी तक जाने का इरादा है हमारा। तो अभी तक कहाँ कहाँ घूम कर हम लोग? पहले गुजरात में पूरा घूमे, बाद में राजस्थान और अब पंजाब। क्या मन में इच्छा लेकर के चल रहे हैं? क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश क्या देना चाहते? लोगों को ये ब्रदरहुड का बोलना चाहते, मतलब भाईचारे का, जो अभी तक डिस्टर्बेंस है सबके बीच में वो हम दूर करना चाहते हैं। आप कितनी एज हो चुकी है आप दोनों की? आम इस उम्र में घर में बैठ जाते हैं, लेकिन आप तो जहाँ पर टू पर निकले, क्या कहना है आप लोगों के लिए? मैं यूथ को यही कहूँगी कि घर में बैठ के अपना टाइम बर्बाद मत करे, कोई भी एडवेंचर करे। मैं ये नहीं बोलती कि राइड करे, पर कोई भी एडवेंचर करे जिससे उनका नाम आ गया है। ए, कल शाम नू मैनू मिलिया जी मोहनलाल जी, और इन्हों मिल के बड़ी खुशी हुई, इन्हें जज्बा देख के बाइक चला रहे हैं, क्योंकि साढ़ा भी तो फरीदकोट के एक रेनीगेट वंडरर्स के नाम से असं एक बाइक ग्रुप बनाया हुआ रॉयल एनफील्ड का, और साढ़ा इस भी कोई ना कोई मैसेज लैके निकलते हैं जो भी राइड करते हैं कि जिस तरह अज की यूथ हैगी नशे च पै रही है, काम कर तो भज रही है, और उस चीज़ ना उन्होंने जोड़ा जाए किसी तरीके ना कोई मैसेज लैके निकलेगा। और कल मैं मिले और बड़ा अच्छा लगे इन्होंने मिल के, कल इन्होंने फरीदकोट शहर घुमाया सारा, फरीदकोट रियासत जो पुरानी बिल्डिंगा सगिया उन्होंने बारे जाणू कराया, इन्हों दसाया इन्हों, और इन्होंने बड़ा अच्छा लग्या। और फिर इस तो बाद मैं इन्होंने रात को आपके घर खाने इनवाइट किया, फिर दोनों जने अंकल और आंटी दोनों घर आए, तकरीबन 11 बजे तक मेरे को घर रुके, बड़ा अच्छा लगे ना गला पता करके, काफ़ी दूर दूर तक घूमे आए, आपका मैसेज लैके जाते हैं, बड़ी खुशी की गल और अच्छी गल आ। और सानू जे है यूथ ने इस चीज़ को सीखना चाहिए कि सानू भी कुछ ना कुछ चाहे पढ़ाई करके चाहे किसी पासे किसी भी फील्ड के अगे आना चाहिए, और समा बर्बाद नहीं करना चाहिए।